तो शुरू करते हैं वेडिंग लुक, जो वेडिंग मेकअप लुक है मैं करने लगी हूँ। अच्छा, बेस मैंने बना ली हुई है, कंसीलर मैंने नहीं लगाया हुआ, आईब्रोज मैंने ग्रूम कर ली नहीं है, एक दफ़ा फिर मैं इसको सेट करूँगी। और इसके अलावा मैंने पाउडर अप्लाई कर लिया हुआ है, सेटिंग पाउडर, सो उस वजह से मैं थोड़ी सी जिनबाबा टाइप लग रही हूँगी। सो आज जो मैं यूज़ करने लगी हूँ है मॉर्फी जैकलिन हिल पैलेट, जो है ना इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ अपने आई मेकअप के लिए। और लेट्स सी हम कौन से कलर्स यूज़ करते हैं। मैंने कुछ न्यू टेक्निक सीखी हैं, तो आई थिंक आई वुड अप्लाई दोज टेक्निक्स टुडे। और मेरा जो ड्रेस है वो ब्लैक एंड पर्पल है, तो आई थिंक आई वुड गो विद सम ब्राउनिश मरून समथिंग में मैं जो है ना अपना मेकअप करने वाली हूँ आज। तो जो ट्रांजिशन कलर मैं यूज़ करने लगी हूँ वो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ आज। ये मैंने प्रोडक्ट भर के, इनफैक्ट ये जो दो कलर्स हैं ना, दीज टू, इनको मैं थोड़ा सा अपने ब्रश पे लेके एक्सेस रिमूव करके, तो अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ। ये तो आपको देखिए ये ट्रांजिशन शेड जो है ये हल्का हल्का आना शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा पिगमेंट और लेते हैं और इसको सर्कुलर मोशंस में हम ट्राई करते हैं कि क्या बनता है अभी। अच्छा, मेरे पास थोड़ा टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है क्विक मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि 7:11 हो चुके हुए हैं और आपको पता है आजकल जल्दी पहुँचना होता है शादियों पे, वरना बत्तियाँ बंद हो जाती हैं और खाना भी नहीं मिलता। सो ये मैं अपनी क्रीज जो है ये कंप्लीट कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब जो अगला शेड में अप्लाई करने लगी वो ये वाला है, इसको मैं हल्का सा आई एम यूजिंग अनदर ब्रश, फ्लैट ब्रश है थोड़ा सा, ये यूज़ कर रही हूँ मैं और कलर बिल्ड करने के लिए। ये प्रोडक्ट में अप्लाई करके पूरे आईलिड पे फिर इसको वो करती हूँ, ब्लेंड करती हूँ। अच्छा जी, कलर मैंने डिपॉजिट कर लिया अपनी आँख के ऊपर और अब मैं इसको, इसके जो एजेस हैं उसको सॉफ्ट कर रही हूँ। काफ़ी हद तक जो है कलर एक ग्रेजुअली बिल्ड हो चुका हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट शेड है वो ये वाला मैं अप्लाई करने लगी, ये उससे हल्का सा ज़्यादा डार्क है, इसको मैं इधर कॉर्नर्स पे ही डिपॉजिट करूँगी, क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ा सा ग्लिटरी टच दूंगी अपने मेकअप को, अपने आई मेकअप को। तो मैं दूसरी तरफ भी एग्जैक्टली उसी तरह से इसको डिपॉजिट कर रही हूँ। ये हो गया कलर डिपॉजिट इस तरह से, अब इसको भी हम हल्का सा ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इस वाले की ब्लेंडिंग शुरू करते हैं। तो जी, हो गई हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट। अच्छा, अब जो मैं करने लगी हूँ, मैंने कलर काफ़ी सारा बिल्ड कर लिया है और मैं एक और शेड इस पे ऐड करने लगी हूँ, विच इज़ सम कलर बाय टार्ट। इसका पैलेट देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत है, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ स्टोन्स इस पे इंग्रेव्ड हैं। तो मैं इसमें एक बड़ा खूबसूरत शेड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हल्का सा मैंने ना एक ग्लिटरी शेड इस आँख पे अप्लाई किया था, वही मैंने इस पे भी अप्लाई कर लिया। अच्छा, अब इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, सो प्रिटी के ओ माई गॉड। इसमें ना ये 5 शेड्स हैं और इट्स सो पिगमेंटेड और सो प्रिटी के आपको इससे देखते ही प्यार हो जाए। वाला शेड होता है ना, ये वो शेड है, ये देखें सी द डिफरेंस। हालांकि मैंने हल्का सा सिर्फ एक फिंगर पे अप्लाई करके तो इसको यहाँ पे
डिपॉजिट किया है, तो आई थिंक ये मैं उंगली से ही लगाऊंगी। उफ, इट्स लाइक इमली की चटनी जैसा मज़ेदार शेड है ये, मुझे बस प्यार हो गया इस शेड से। ये ना लिमिटेड एडिशंस कुछ पैलेट्स आते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट ही नहीं निकालते। नाउ सी द डिफरेंस इसमें कितनी ग्लो आ रही है, और ये इट्स वे प्रिटी एज वेल, बट ये वाली ग्लो देखें, तो दिस वाज आई व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। आई थिंक ये मेरे जोड़े के साथ भी अच्छा जाएगा। बहुत ही प्यारा कलर है, हसीन तरीन। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं पांचों शेड्स इसके अप्लाई कर लूँ, कर सारे बड़े खूबसूरत शेड्स हैं। अच्छा, इनर कॉर्नर पे मैंने नहीं किया, वहाँ पे मैं कोई और शेड अप्लाई करूँगी, आई मीन सम लाइटर शेड। अच्छा जी, अब इनर कॉर्नर के लिए मैं इसके ही दो शेड्स हैं, वैसे दोनों ही बड़े प्रिटी हैं, बट लेट्स यूज़ द मूनलाइट समथिंग शेड है, वो यूज़ करते हैं इनर कॉर्नर के लिए। खुली लग रही मेरी आंख। इसको मैं दोबारा से रीटच करूँगी, अभी बस इसके लिए, अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं इसको जी। तो अब आई थिंक जो आई का मैंने काम किया है, जो पिगमेंट डिपॉजिट किया है, वो मेरा काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। मैं ज़रा कुछ देख लूँ कोई फॉल आउट तो नहीं है, वैसे तो आई थिंक कोई फॉल आउट नहीं है, बट अब लेट्स अप्लाई द कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ मैकअप प्रोडक्ट, और इसमें पहले एक लाइटर शेड है एक मेरे पास, इसमें मैं उससे हल्का सा प्रोडक्ट अप्लाई करके, अच्छा मैं इसको सिर्फ डिपॉजिट ब्रश से कर रही हूँ, और मैंने इसको वो ब्लेंड जो है वो मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर अपने फिंगर से करूँगी, क्योंकि दैट गिव्स द बेस्ट ब्लेंडिंग। मीनवाइल यहाँ से ये नीट भी हो गया। ये तो कंसीलर जो है वो काफ़ी हद तक सेट हो चुका हुआ है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर देती हूँ ताकि ये बेक हो जाए, जब तक मैं आईलाइनर और मस्कारा वगैरह जो है वो डन कर रही हूँ आईज़ का। नहीं जी, ये हो गया हमारा पाउडर ही पाउडर, पाउडरी पाउडरी। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं लेने लगी हूँ ये फेंटी ब्यूटी का मेरे पास है एक मार्कर आईलाइनर है, इसका देखिए बहुत ही खूबसूरत, इसकी बारीक सी टिप है, और टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद इट, जब से मुझे ये रिसीव हुआ है। मेरा ख्याल है मैं इसको ऑलमोस्ट डेली यूज़ कर रही हूँ। उनके ये इजी टू ग्रिप है, बिल्कुल लाइक पेंसिल, और ना बड़ा ही खूबसूरत वो एक बारीक आई कंप्लीट करता है ये। अच्छा जी, थोड़ा सा थिक हो गया, विच इज़ फाइन। आई लाइक इट। तो जी, दूसरा जो आईलाइनर है वो मैंने ऑफ द कैमरा कंप्लीट किया है, और अब मैं आंखों के अंदर ब्लैक ब्लैकिश कर लूँगा अपनी आंखें। अब वाटरलाइन की बारी है। कुछ लोगों की आईज इतनी सेंसिटिव होती हैं कि आई मीन आई कांट, मैं लगाते ही मुझे शुरू हो जाता है कि कुछ हो रहा है आंख में। तो
और ये हो गए मेरी आईज़ काफ़ी हद तक कंप्लीट है। अब मुझे मस्कारा लगाना बाकी है। तो जी अब मैं करने लगी हूँ अपनी आई लैशेज कर्ल। अच्छा फॉल्सी ज़्यादा मैं नहीं लगा रही क्योंकि आई थिंक दैट वुड टेक मी सम टाइम। ये देखिए मेरी आँख ऐसे चमक रही है कि मुझे प्यार हो रहा है बार बार अपनी आँख से। मस्कारा मैं यूज़ करने लगी हूँ टार्ट का टार्टिस्ट। अच्छा अब इसके ऊपर एक कोटिंग मैं इसकी करने लगी हूँ। टू फेस्ड का एक मस्कारा है, आई थिंक आप में सब काफ़ी सारे लोगों को इसका नाम पता होगा। एज़ यूजुअल मैं इसका नाम नहीं प्रोनाउंस करूँगी। और एक कोटिंग इसकी भी कर लेते हैं। तो जी ये हो गया हमारा मस्कारा भी अप्लाई। अच्छा मैं इस ब्रश से ये जो सारा पाउडर है ये कर रही हूँ डस्ट ऑफ। आई मेकअप कंप्लीट है ऑलमोस्ट। और अब मैं क्या करने लगी हूँ, तो जी मेरी आईज मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं ब्लश कर लेती हूँ हल्का सा। मैंने अपने आप को ब्रॉन्जिंग की है, मैंने कॉन्टोर नहीं यूज़ किया, ब्रॉन्जिंग की है। मैं यूज़ कर रही हूँ बेका का शिमरी सा एक है शेड, पीची पीची है समथिंग या बेरी सा शेड है, आई एम नॉट श्योर। इस वक्त मैं पढ़ने नहीं वाली। ये हो गए हमारे चीक्स कंप्लीट। अच्छा अब इसके बाद जो आखिरी काम है वो ये है कि सिंस आई एम इन लव विद हाइलाइटर्स, तो मैं क्या करने लगी, मैं हल्का सा ये बेका का ही है इसको मैं हल्का सा अप्लाई करने लगी हूँ जहाँ पे मैंने लाइट रिफ्लेक्ट करनी है उन एरिया से। अच्छा मुझे अभी याद है मैंने तो अपना नोज़ भी कॉन्टोर नहीं किया, वो भी कर लेते हैं। अच्छा जी इसके बाद मैं इसको फिंगर्स से ही क्योंकि तो फिंगर से जो है ना ये ही फिंगर की हीट के साथ ये ज़्यादा अच्छा इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अब ऐसे करते हैं मैक का वही वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और एक ब्रश ये वाला मैंने लिया है इससे हम नोज़ कॉन्टोर कर लेते हैं। बहुत मैं आज लाइट कॉन्टोरिंग यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा मेरे पास आज टाइम शॉर्ट था और अभी मुझे अपने बाल भी सेट करने हैं। शर्ट मैंने पहन ली है, ज्वेलरी बहुत लाइट पहनने लगी हूँ और बाल मुझे भी करने हैं। तो ये हो गया मेरा बहुत ही लाइट सा कॉन्टोर भी हो गया